उदयपुर में कोई और भी है जो मम्मा को जानता है और मुझे अब पता लगाना ही है। दोनों ही चीज़ें देख के बहुत सारी चीज़ें रूही के पास्ट में जो थी वो ट्रिगर हो जाती है। मंदिर में जाती है तो उसे दिखता है कि बी नानू, छोटी माँ, बड़ी मम्मा सब लोग अक्षरा मासी के लिए पूजा कर रहे हैं। और फिर अक्षरा मासी का एक जो गाना है वो कान्हा और एक उनकी फ़ोटो, दोनों ही चीज़ें देख के बहुत सारी चीज़ें रूही के पास्ट में जो थी वो ट्रिगर हो जाती है। और ऐसा होता है कि बचपन में हमने कुछ अपने मन में बैठा के रखा होता है और बड़े होते होते इफ़ वी ग्रो अप विद दैट तो वो एकदम गुस्सा या हो या सैडनेस वो एकदम से ही बाहर आती है एंड इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता है। और वैसा ही कुछ हुआ आज रूही के साथ भी कि वो अपना इमोशंस ही नहीं कंट्रोल कर पाई और रोने लगती है कि और क्योंकि सबसे बड़ी बात बी नानू से बोलते हैं कि तुम माफ़ कर दो, जिस बात पे वो और ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है कि मैं कैसे माफ़ कर दूँ, शी किल्ड माई मॉम, हाउ कैन आई फॉरगिव हर, वैसा कुछ। आई थिंक वो बहुत हर्ट है पर कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं दिखा है अक्षरा मासी के लिए। वही बात है कि ह्यूमन इमोशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स, सो वो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि रूही इस सिचुएशन को अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट सीन में वो बोलती है कि मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए काम डाउन होने के लिए, ठंडी हो जाती है। बट वही देखना है कि अभीरा उसकी बहन है, ये चीज़ जब पता चलेगी तो वो और एग्रीवेट करेगी सिचुएशन को और बढ़ाएगी बात को, या फिर वो और थोड़ी शांत हो जाएगी रूही। यही सारी चीज़ें हैं जो यू नो आर द पजल्स दैट विल बी सॉल्व्ड इन द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स। अब पता नहीं वो क्यों कर रही है, अभीरा का तो नहीं पता। आई थिंक यही है कि अपनी पास्ट फैमिली के बारे में जानना अब मेरे दिमाग में हो गया है, एक कीड़ा आ गया है कि उदयपुर में कोई और भी है जो मम्मा को जानता है और मुझे अब पता लगाना ही है। और बस आई एम वेटिंग कि मैं पता लगाऊं कि कौन है वो।